बहुत अच्छी हैं, मुझे बहुत आई एम क्वाइट इंस्पायर्ड स्लम्स के बच्चे बच्चों के लिए. आप अब इंडस्ट्री में फिर से एक्टिव हैं, किस तरह के प्रोजेक्ट्स आप करना चाहती हैं? हाँ, वही सेम ओटीटी या फिल्म्स, आपकी प्रेफरेंस क्या है? आई थिंक ओटीटी इज फैबुलस, बहुत अच्छी ओटीटी में, मतलब द होल स्टाइल ऑफ ओटीटी एंड द काइंड ऑफ स्टोरीज दैट दे आर कमिंग अप विद बहुत अच्छी हैं, मुझे बहुत आई एम क्वाइट इंस्पायर्ड देख के. और फिल्में कोई भी, मेरे को तो कुछ मतलब कि वेदर इट्स एनी थिंग, इट्स नॉट अ, इट जस्ट हैज टू बी अ यू नो अ स्ट्रॉन्ग फिल्म विद एन ऑनेस्ट क्लियर स्टोरी. ये नहीं कि हम दिखा रहे हैं कुछ, बना रहे हैं कुछ, अरे ये हिट हो जाएगा तो ऐसे ये डाल दो इसके अंदर, रियल क्लियर स्टोरीज एंड वेल मेड, गुड डायरेक्टर्स. और किस तरह के रोल्स आप करना चाहती हैं? पता नहीं, लेट्स सी व्हाटएवर कम्स, आई एम ओपन. मेरे दिमाग में कोई ऐसा नहीं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए. नो. अनु जी, आपके फाउंडेशन के बारे में बताइए, क्या नाम है और क्या काम करता है आपका फाउंडेशन? मेरा फाउंडेशन का नाम मैंने अपना ही रखा क्योंकि मेरे को उस समय ये था कि ऑनेस्टली इट इज माई फाउंडेशन और मैं इसमें काम कर रही हूँ, तो इसलिए अनु अग्रवाल फाउंडेशन नाम है उसका. तो सबसे पहले तो ये, जब ये फाउंडेशन आई है, जब मेरी हीलिंग, मिरेकल हीलिंग मेरी हो रही थी, जो डॉक्टर्स कह रहे थे, तो मैंने फिर वो जो है लोगों को पहुँचानी शुरू करी. तो मैंने एक प्रोग्राम बनाया बच्चों के लिए, स्लम्स के बच्चे बच्चों के लिए, और कि उनको क्या प्रोग्राम था कि उनको खुशी कैसे लाऊं मैं, क्योंकि मैंने देखा कि बच्चे बहुत डिप्रेस दिखते हैं और उनके जो पॉस्चर्स ठीक नहीं है, जैसे वो बैठते हैं और मुँह गिरे हुए हैं. अच्छा. तो मैंने कहा कि इनको किस तरीके से मैं लाइवली बनाऊँ. हाँ जी. तो मैंने वो प्रोग्राम किया, तो उसमें मैंने फिर अनुफन फन योगा बनाई. अच्छा. और फन योगा का मतलब ये था कि जी योगा लोग कहते बड़ी सीरियस है और ये होता है उसमें ऐसा, मैंने कहा कि नहीं, योगा ऐसी होनी चाहिए जो आपको अंदर से खुशी आपको लेके आए. तो ये मैंने बनाया और मैंने ये काम करना शुरू किया. फिर उसके धीरे 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 जो है इंटरनेशनली भी, जहाँ भी मैं गई, मैं वहाँ पर मैंने हर जगह क्लासेस ली हैं और करीबन 2.5 लाख बच्चे हो गए हैं अभी तक. वाओ. एंड औरतें जो हैं, बिकॉज मदर्स एट द एंड ऑफ द डे, उनके लिए भी करना है तो मदर्स भी हैं. फिर हम कॉर्पोरेट्स के साथ भी हमारे अलग प्रोग्राम्स चलते हैं, तो कॉर्पोरेट से जो पैसा आता है वो हमारा इसमें काम आ जाता है, बिकॉज दिस इज अ नॉन प्रॉफिट. हाँ जी. तो इसमें तो हम अर्निंग्स नहीं हो सकती, तो डोनेशंस पे चलती है ये. मतलब मेरा तो ये था कि भाई किस तरह से कम्युनिटी का सबका, यू नो, देयर इज, ये एक प्लेटफॉर्म है, आप कुछ करना चाहते हैं तो आप आएं और हमारे साथ जुड़ के काम करें. बिकॉज बिल्कुल ये 100% ट्रांसपेरेंट फाउंडेशन है, मैं इसमें से एक पैसा नहीं लेती हूँ, बल्कि इसमें लगाया ही है मैंने अपना पैसा. तो इसमें से इट इज नॉट एन अर्निंग प्रोपोजिशन फॉर मी, बट ये है इसमें मेरा ये है कि किस तरीके से हम लोगों का भला कर पाएं. तो बहुत अच्छा लगा ये भी सुन के कि आपके इस काम को रिकग्निशन मिल रहा है और लंदन में आपको अवार्ड मिलने जा रहा है.